Hello student, myself Praveen Singh Yadav, Chemistry Faculty AGS. This is our third lecture of solution and colligative property. Before starting concentration terms, let us revise some formulas of mole. कुछ मोल के फार्मूलों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो गिवन सैंपल है वो डिफरेंट फॉर्म में होगा. जैसे जब वॉल्यूम गिवन होगा तो कैसे मोल में जाएंगे, जब मास गिवन होगा तो कैसे मोल में जाएंगे, एंड व्हेन नंबर इज गिवन देन हाउ विल वी गो टू द मोल. इसमें अगर देखा जाए तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपको मास गिवन है किसी सैंपल में, ना कोई सैंपल है उसका मास गिवन है और मास से आपको उस सैंपल का क्या निकालना है, मोल. देन वी यूज फार्मूला मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. दैट्स व्हाई जब मास से मोल में जाएंगे तो उस सैंपल के मोलर मास से आप उसको डिवाइड कर देंगे, मोल मिल जाएगा. अगर मोल दिया है तो जस्ट उसका वाइस वर्सा कर देंगे, मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मास मिल जाएगा. वैसे वॉल्यूम की बात है तो वॉल्यूम का याद रखना है ना एसटीपी है, ये जो है ओल्ड कन्वेंशन पे है. अगर न्यू कन्वेंशन पे करेंगे हम लोग, ठीक है, तो न्यू कन्वेंशन पे हम लोग को मिलेगा 22.7 लीटर. हम लोगों ने गैसीय स्टेट में इसको किया भी था. तो फिलहाल अगर वॉल्यूम से हम लोग मोल में जाते हैं देन डिवाइडेड बाई 22.4, और अगर मोल से वॉल्यूम में जाते हैं देन मल्टीप्लाइड बाई 22.4. वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको ये याद रखना है कि कैसे ये जो है कैसे हमने कैलकुलेट किया है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होगा एसटीपी पे. तो आप लोग को ये सोचना है, होमवर्क हो जाएगा कि ये 22.4 हम लोगों ने कैसे लिया है. जनरली इसमें हम लोग आइडियल गैस मान के करते हैं. अगला फार्मूला, अगर कोई सैंपल का सैंपल अगर हमको नंबर्स के फॉर्म में हो तो नंबर से मोल में आने के लिए पहले हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, और फिर मोल से नंबर में जाने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एवोगाड्रो नंबर आप जानते होंगे, इंटू 10 to the power 23 हो जाएगा ये. तो ये फार्मूलेस थे जो आगे यूज होंगे. नाउ हम अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स. मैंने पिछले स्टार्टिंग वाले लेक्चर में भी बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, देखो सॉल्यूशन अगर बनाओगे तो उसमें दो कंपोनेंट होगा. मैंने पहले ही बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में ही कि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं और सारा खेल जो होगा बाइनरी सॉल्यूशंस में ही होगा. तो इस खेल को समझो और यहाँ पे देखेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, आखिर ज़रूरत क्यों है कंसंट्रेशन टर्म्स की. तो दे मेनली गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. तो यहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है जो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में उनके बारे में इन्फॉर्मेट करेगा. तो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो है हम लोग का मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन एक्चुअली वेट फ्रैक्शन, पहले तो आप ये समझ लो फ्रैक्शन का मतलब आउट ऑफ वन डिस्कस करते हैं. ठीक है, वन में से कितना है, और वही अगर परसेंटेज रहता तो आउट ऑफ हंड्रेड हम डिस्कस करते. बट मोल फ्रैक्शन में देखा जाए तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस मोल का निकालना है, एंड टोटल मोल ऑफ मिक्सचर. तो मिक्सचर का जो टोटल मोल है और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल का अगर हम लोग रेशियो कर देंगे तो हमको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा. जैसे आप किसी सब्जेक्ट में जो नंबर पाते हो उसमें परसेंटेज निकालते हो, 100 में 25 पाया तो 25/100 ऐसे करके. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें दो कंपोनेंट डाल दिए. याद रखना तुम तीन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चार भी ले सकते हो, पांच भी. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए और बी को मिलाकर हमने कोई सॉल्यूशन बनाया. अब ए का हमने यहाँ पे जो मोल लिया है वो है एन ए मोल, जो हमने लिया है टेकन है जो हमने सॉल्यूशन में रखा है, और बी का यहाँ पे जो हमने मोल रखा है वो है एन बी मोल. तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि सर टोटल मोल क्या हो सकता है, तो टोटल मोल हमारा क्या हो सकता है,
एन ए प्लस एन बी। तो अगर मान लो तुम मूल फ्रैक्शन निकालते हो ए का, ठीक है, तो अगर ए का मूल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, मूल ऑफ ए अपॉन टोटल मूल एज बाई फार्मूला। और अगर बी का मूल फ्रैक्शन निकालते हो तो मूल ऑफ बी अपॉन टोटल मूल। तो आप जनरल क्या कह सकते हो, जनरली कह सकते हो कि मूल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द मूल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मूल। और किसी भी सैंपल का जो मूल फ्रैक्शन होगा, जितने भी सैंपल में प्रेजेंट चीज़ें होंगी उनका मूल फ्रैक्शन ऐड करके हमेशा वन होगा, ऐड करके हमेशा वन आएगा। आप खुद देख लो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये था हम लोग का मूल फ्रैक्शन। नाउ एक प्रॉब्लम देख लेते हैं मूल फ्रैक्शन पे। प्रॉब्लम है कि 64 ग्राम ऑफ मेथेनॉल एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर आर मिक्स्ड, उनको मिक्स एंड फाइंड मूल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो मैं ये चाहूँगा कि वीडियो पॉज करो और खुद से एक बार कोशिश करो, अदरवाइज हम फिर अभी बताएंगे। तो पहले हम लोग मेथेनॉल जो सैंपल है इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा कार्बन 12, ठीक है, तो कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 4 है तो 4, प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। और वाटर का जानते ही हो कितना, 18, ठीक। अब इनका मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ मेथेनॉल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर या मोलर वेट, तो कितना आ जाएगा, 2। और अगर मोल ऑफ वाटर निकालोगे कितना हो जाएगा, मोल ऑफ वाटर तो 54/18 कितना, 3। टोटल मोल क्या हो जाएगा, 2+3 कितना, 5। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल क्या हो जाएगा बोलो, मोल ऑफ मेथेनॉल 2/5 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 3/5। ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। इसमें एडिशनल हम क्या पढ़ सकते हैं, एडिशनल ये पढ़ सकते हैं मोल परसेंटेज। एक्चुअली समझो, मोल परसेंटेज जो होता है मोल फ्रैक्शन, हमने पहले ही बताया था मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 डिस्कस करते हैं और मोल परसेंटेज आउट ऑफ 100। तो जब एक में मालूम है हमको तो 100 में मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मोल परसेंटेज निकालोगे तो मेथेनॉल का कितना आ जाएगा, 2/5 × 100, और वाटर का कितना हो जाएगा, 3/5 × 100। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। ये क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जिसको तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे। ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 0.01, फाइंड द अमाउंट ऑफ यूरिया एंड वाटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो आप एक बार घर पे इसको ट्राई करिए, नहीं होता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।